सबसे पहले हम तेरी खोपड़ी मार डालेंगे, मार डालेंगे तुझे। त्यागी जी बीबी बच्चे वाले आदमी। मुझको भी तू अपना ले मन वृंदावन बन जाए, मुझ में तू ही बस जाए और मन तुझ में रम जाए। मेरी खाना महाराज जी प्रणाम। अरे मंत्री जी आइए आइए। खुश रहो जेब हमेशा खाली रहे। जेब खाली? अरे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं आप? अरे मंत्री जी जेब खाली रहेगी तभी तो धन भरोगे, समझे? अरे हाँ ठीक ठीक महाराज जी, धन्य है महाराज जी आप। महाराज जी अचानक आपने हमको कैसे याद कर लिया? मंत्री जी एक आवश्यक काज पड़ गया है आपसे। अच्छा आइए बैठ के बात करते हैं। चलिए चलिए आइए आइए मंत्री जी आइए। चलिए चलिए बैठिए। महाराज जी एक छोटा सा उपहार आपके लिए। अरे वाह पिछले उपहार से तो बड़ा है उपहार इस बार का। अरे महाराज जी जैसे जैसे कमाई बढ़ रही है वैसे उपहार भी बड़ा हो रहा है। महाराज जी अब बताइए आप आगे की सेवा। मंत्री जी आपको तो पता ही है मैं 40 साल से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ जी, लेकिन अब ऐसा एहसास होने लगा है कि अब ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप जैसे ज्ञानी विज्ञानी महात्मा अगर ऐसा करेंगे तो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का क्या होगा? मंत्री जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आजकल के लोग जब हम जैसे सनातनी धर्म महात्मा से दूर होकर आजकल आधुनिक बाबाओं के पास उनकी शरण में जा रहे हैं, साफ दिखने लगा है कि लोग नैतिक मूल्यों को छोड़कर आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो गए हैं, तो कब तक हम सनातन धर्म की बातें पकड़कर बैठे रहेंगे? अरे महाराज जी आप समझ नहीं रहे हैं, आजकल के लोग नैतिक मूल नहीं बाबाओं से चमत्कार देखना चाहते हैं और वैसा चमत्कार आप करते नहीं हैं। मंत्री जी हम ठहरे सनातन धर्म के महात्मा, हमको ऐसे चमत्कार पर विश्वास नहीं है। और मंत्री जी रह गई बात ये कि मैंने आपको क्यों बुलाया है, तो मंत्री जी बात यह है कि मैं सनातन धर्म का प्रवचन छोड़कर आपके साथ आना चाहता हूँ। मेरे साथ? अरे महाराज जी जरा खुलकर बोलिए। मंत्री जी सच बात यह है कि मैं अब राजनीति में आना चाहता हूँ। महाराज जी सनातन धर्म छोड़कर राजनीति में? मंत्री जी आपको तो मेरे ज्ञान विज्ञान के बारे में मालूम ही है, इसी ज्ञान विज्ञान के सहारे मैं लोगों को आसानी से आकर्षित भी कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि राजनीति में आने पर एक नेता के रूप में मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली। महाराज जी आप राजनीति में तो आ सकते हैं लेकिन आपके लिए चुनाव जीतना असंभव है। क्यों असंभव क्यों है? अरे महाराज जी आजकल राजनीति बदल गई है, सच्चाई ईमानदारी का जमाना नहीं रहा। आजकल चुनाव पैसे से लड़ा जाता है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उतना बड़ा नेता। मुझे देखिए कॉलेज का मामूली सा छात्र नेता था, फिर गुंडा बना, फिर ठेकेदार बन गया। इंजीनियर रुक, तुझको मैंने सुबह फोन किया था, कुछ समझ में नहीं आता क्या? अरे त्यागी जी वो तो सुबह फोन पर ही बता दिया था कि ये ठेका आपको नहीं मिल सकता, ये ठेका नियम और कानून के हिसाब से सिर्फ बाला इंटरप्राइजेस को ही मिलेगा। क्या बोला? मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे ब्रिज का ठेका चाहिए तो चाहिए बस। देखिए त्यागी जी बात को समझने की कोशिश करिए, ये ठेका आपको नहीं मिल सकता है, हमारे भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मजबूरी? कौन सी मजबूरी? दरअसल बात ऐसी है कि हम एडवांस में टोकन मनी उठा चुके हैं। भार में गई टोकन मनी, तू सीधे सीधे बोल ठेका देगा कि नहीं। त्यागी जी अगर अब ये ठेका हमने आपको दिया तो टुन्ना बाबू हमें जान से मार डालेंगे। ठीक
छीनने से पहले हम तेरी खोपड़ी मार डालेंगे। क्या, क्या, क्या? मार डालेंगे तुझे। अरे त्यागी जी, त्यागी जी, बीबी बच्चे वाले आदमी। बीबी बच्चे वाले ठेका देगा कि नहीं? अरे त्यागी जी, दिया दिया आपको ठेका दिया त्यागी जी। फिर बड़ा बड़ा ठेका लिया, शराब का, खनन का, सड़क बनवाने का, करोड़ों कमाया, इलेक्शन लड़ा, और आज देखिए आपके सामने मंत्री बना बैठा हूँ। तो महाराज जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है, और पैसा आपके पास है नहीं। मंत्री जी, जीवन में मैंने कभी पैसे का महत्व नहीं समझा, लेकिन आज आपकी बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं कि पैसा कितना जीवन में अनिवार्य है। मंत्री जी, अब आप ही कुछ ऐसा बताइए कि मैं बचे हुए जीवन में पैसा कैसे कमा सकता हूँ। महाराज जी, अब आपके बचे हुए जीवन में पैसा कमाने का अब एक ही उपाय है। कौन सा उपाय मंत्री जी? महाराज जी, मेरी बात मानिए, आप खुद को बदलिए, सासाराम, साम रहीम, निराला बाबा जैसा बनिए। और महाराज जी, एक राज की बात बताऊं, मेरा जो सेक्रेटरी है वो एक आश्रम में हर हफ्ते प्रवचन सुनने जाता है। महाराज जी, हमारा सेक्रेटरी बाबा का प्रवचन सुनने नहीं, उनकी सुंदर सुंदर शिष्याओं का दर्शन करने जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ महाराज जी कि अपने आश्रम में सुंदर सुंदर शिष्याएं बनाइए, और फिर देखिए भक्तों की भीड़, उसके बाद पैसों की कमी नहीं रहेगी। मंत्री जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये शिष्याओं का प्रबंध कैसे होगा? महाराज जी, टेंशन मत लीजिए, उसका प्रबंध मैं कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, विधानसभा पहुंचने में लेट हो रहा है। महाराज जी, अब आज्ञा दीजिए, और कोई काम होगा तो बताइएगा। ठीक है, ठीक है। अरे मंत्री जी, अरे शिष्याओं का प्रबंध जल्दी करवा देना। अरे ठीक है, हो जाएगा। समझ गए जी। खुश रहो, जेब खाली रहे, जेब खाली रहे। अरे महाराज जी, धन्यवाद धन्यवाद। लो दोस्तों, आप हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा शिव टटर।